गुड इवनिंग विद्यार्थियों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने परिवार ईएडी परिवार के साथ। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। तो सभी लोग सबसे पहले तो जैसे जैसे आप लोग लाइव आते हो तो वीडियो को लाइक करना हो आप लोगों को और शेयर भी करना है। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे जितना भी यहाँ पर लाइव है विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो चलेगा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग विद्यार्थियों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग विद्यार्थियों, चलेगा, गुड इवनिंग विद्यार्थियों। चलिए जल्दी से हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है ना। समझो विद्यार्थियों, यहां पर देखिएगा आप लोगों को आज सेट नहीं बनाया गया, थोड़ा समय का अभाव रहा तो सेट नहीं बनाए गए। सिंपल आपसे सवाल रखे गए आप लोगों के लिए कि देखिए किस तरह के सवाल आप लोगों को याद करके चलना है। तो सवाल देखिए आप लोगों के सामने जो दिया गया उसमें क्या किया गया, आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन द टैरिफ एंड ट्रेड वॉज द रिप्लेस्ड बाय, जो कि WTO जो आपका था विद्यार्थी, WTO आपको पता है वर्तमान समय पर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। वर्तमान समय में क्या विद्यार्थी आपका ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो पहले आपका किस नाम से गेट के नाम से जाना जाता था, पहले विद्यार्थी गेट के नाम से जाना जाता था, अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। जस्ट वन विद्यार्थी, जस्ट वन मिनट, ठीक है ना। रुकिएगा विद्यार्थियों, कुछ चलिए ठीक है ना। तो देखिएगा कोशिश करूंगा विद्यार्थियों की कोई दिक्कत ना आए, अभी क्लास में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थियों यहां पर क्या आंसर आएगा इसका, तो टैरिफ एंड जो आपका समझो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, विश्व व्यापार संगठन। अगला देखिए, इनमें से किस संगठन ने 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनमें से कौन सा संगठन अब तक 3 बार जो किसे सम्मानित किया गया विद्यार्थी आपका नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप जानते विद्यार्थियों जो नोबेल शांति पुरस्कार जो विश्व भर में विश्व शांति के लिए दिया जाता है, जैसे कि 2020 में किसे दिया गया आपका वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया, वर्ल्ड फूड विद्यार्थी ऑर्गेनाइज सॉरी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, समझो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो 1961 में एस्टैब्लिश हुआ था आपका, तो उसे दिया गया 2020 के लिए। 19 के लिए अबी अहमद इथोपिया के तब प्रधानमंत्री हुआ करते थे। चलिए देखिए अब यहां पर क्या दिया गया, इनमें से कौन सा संगठन, तो रेड क्रॉस जो आपका अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, आप लोग जानते हो विद्यार्थियों इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी आपका किस वर्ष, बिल्कुल सही आंसर बताया आप लोगों ने कि सर इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये हुई थी विद्यार्थियों 1863 ईस्वी में, ठीक है ना। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, तो 18 विद्यार्थी आपका 63 में होती है, हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सार्क के स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे होंगे। पहले तो हमें जानना होगा कि सार्क क्या है, सार्क का मतलब होगा साउथ एशियन एसोसिएशन विद्यार्थियों आपका फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है ना, साउथ एशियन समझो एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, साउथ जो सार्क है आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, राजीव गांधी समझो पीवी नरसिम्हा राव आर के विद्यार्थी गुजराल या HD देवगा। तो जब सार्क की स्थापना होती है किस वर्ष होती है, तो ये होती है आपकी 1985 में, 1985 में। थोड़ा सा जस्ट इंतजार करें विद्यार्थी, थोड़ा मार्कर की आवश्यकता होगी मुझे, ठीक है ना, तो थोड़ा सा इंतजार करिएगा।
तो चलिए विद्यार्थी, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था आपसे, सार्क के बारे में, ठीक है। तो उस समय पर राजीव गांधी, यानी कि जो सार्क हमारा बना था वो किस वर्ष बना था आपका, तो सार्क की स्थापना होती है 1985 में, 1985 में सार्क की स्थापना होती है। और उस समय पर राजीव गांधी भारत के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। सार्क का मुख्यालय कहां पर आपका, काठमांडू के अंदर, ठीक है। और सार्क के द्वारा प्रत्येक वर्ष आपका सैग गेम, सैग गेम समझते हो आपका, साउथ एशियन गेम का आयोजन भी सार्क के द्वारा ही कराया जाता है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी का जो परमानेंट मेंबर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है, ऐसा सवाल हमसे पूछता है, तो हमारा आंसर क्या बनना चाहिए आपका, जापान। जापान नहीं विद्यार्थी, ठीक है। तो यूएनएससी के बारे में कुछ बता दूं आप लोगों को, यूएनएससी, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें टोटल आपके 15 सदस्य राष्ट्र हैं, ये भी आप जानते हो विद्यार्थी, कितने 15, ये 15 में भी विद्यार्थी आपके क्या है, परमानेंट है 5 और टेम्परेरी आपके कितने 10, ये 5 हो गए विद्यार्थी, ये 10 हो गए। जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं उन्हें P5 के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब ये 5 परमानेंट कौन कौन से, तो रसिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम हो गया आपका, फ्रांस हो गया और यूएसए हो गया, जिनके पास वीटो पावर है। यूएनएससी के विद्यार्थी जो 5 सदस्य राष्ट्र हैं उनके पास क्या है, वीटो पावर। जबकि जो अन्य विद्यार्थी 10 सदस्य हैं, ये प्रत्येक 2 वर्ष बाद बदल जाते हैं। यहां पर मैं बार बार इसके बारे में क्यों बताता हूं आपसे, जब भी यह नाम आता है, क्योंकि 2021 से लेकर विद्यार्थियों 2022 दिसंबर तक भारत इसका सदस्य बना है और 8वीं बार भारत यूएनएससी का अस्थायी टेम्परेरी मेंबर के तौर पर चुना गया। जो अस्थायी सदस्य होते हैं 10 सदस्य, इनका कार्यकाल सिर्फ 2 वर्ष का होता है, इनका कार्यकाल विद्यार्थी कितने 2 वर्षों का होता है, यह भी साथ में याद रख के चलना आप लोगों को, ठीक है। तो देखिएगा, जापान आ गया आपका, जो परमानेंट नहीं आपका इसमें से। आगे देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है, वर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय कहां पर स्थित है, ऐसा सवाल अगर हमसे पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर क्या आएगा आपका, हेग, ठीक है ना, डी आएगा मेरे विद्यार्थियों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग विद्यार्थियों आपका, ठीक है, कहां पर आएगा, द हेग के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। आए समझ में। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी यानी कि इरना का मुख्यालय स्थित है, हेडक्वार्टर फॉर द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, तो एजेंसी है, मैंने आप लोगों को मैराथन क्लास में बताया था, वहां पर अगर देखा होगा आप लोगों ने, तो अलग अलग विद्यार्थियों आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन बताया था। तो इरना की बात करेंगे विद्यार्थियों, कहां पर आपका, मसदर, मसदर यानी कहां पर आपका, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर, ठीक है ना। यूएई की मुद्रा क्या है, यूएई की विद्यार्थियों करेंसी क्या है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान समय पर यूएई की करेंसी क्या है, कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे विद्यार्थी आप लोग, ठीक है ना। चलेगा नेक्स्ट देखेंगे, विश्व मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे के रूप में प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं। तो देखिए, जो विश्व मानवाधिकार दिवस आप लोग कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को यूएन के द्वारा विद्यार्थियों जो ह्यूमन राइट कमीशन समझो आपका रिपोर्ट थी उसे स्वीकार किया गया, तो इस कारण से आपका कब, 1948 में, 1948 में, ठीक है, तब से आपका 10 दिसंबर को विद्यार्थियों ये दिवस मनाए जाने की आपका घोषणा की गई कि 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष यूएन डे के रूप में मनाया जाएगा। सॉरी, यूएन आपका समझो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन डे के रूप में मनाया जाएगा, या वर्ल्ड विद्यार्थी आपका ह्यूमन राइट कमीशन डे के रूप में। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा विद्यार्थियों, सवाल यहां से और भी पूछा जाता है आपका, क्या सवाल पूछा जाता है, यूएन विद्यार्थी आपका जो ह्यूमन राइट कमीशन है आपका वो अलग है, यूएनएचआरसी करके आता है आपका, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, यूएनएचआरसी, ये बना था आपका 2006 में, यूनाइटेड नेशन विद्यार्थियों जो सुरक्षा, ये क्या दिया गया विद्यार्थी, सॉरी मानवाधिकार जो परिषद है आपका, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार परिषद है आपका, ठीक है, तो ये बना था आपका 2006 में बना था, ठीक है ना। 10 दिसंबर को ही प्रत्येक वर्ष आपके नोबेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं, 10 दिसंबर को ही प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं, ये डेट, जैसे
जो भारत रत्न आपके पद्म विभूषण है या राष्ट्रीय पुरस्कार है वो कब दिए जाते हैं आपका? तो ये दिए जाते हैं 26 जनवरी को। भारत रत्न यदि आपको दिया जाए या आपको विद्यार्थियों पद्म पुरस्कार दिया जाए तो कब दिए जाते हैं? प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ये घोषणा की जाती है कि इन इन व्यक्तियों को या इतने लोगों को ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है ना। तो ये भी साथ में याद रखना आपको। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक नहीं है इनमें से कौन सी नहीं है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की विद्यार्थियों चित्रा लिखी है, को डांसर लिखी है विद्यार्थियों, और यहां पर क्या लिखा है आपका वर्धमान चंद, ठीक है ना। तो ये चिदंबरा, जो चिदंबरा है विद्यार्थी, ये किसकी है? चिदंबरा, जो कि सुमित्रा नंदन पंत के विद्यार्थी चिदंबरा, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार 19 विद्यार्थी लगभग 67 में, ठीक है। और ये हिंदी के पहले समझो जो विद्यार्थियों कहते हैं हिंदी साहित्य से जुड़े हुए पहले या हिंदी भाषा से जुड़े हुए जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था चिदंबरा के लिए, किसे? तो सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है ना। जबकि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? ज्ञानपीठ जानते थे आप लोग? ज्ञानपीठ की अगर मैं बात करूं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में लिटरेचर में साहित्य में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है, जो कि 1965 में इसकी शुरुआत होती है। 1965 में विद्यार्थी इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। और पहली बार ये किसे दिया गया था आपका? शंकर कुरूप को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शंकर कुरूप को विद्यार्थी पुरस्कार से किस भाषा के लिए? तो मलयालम भाषा के लिए। मलयालम भाषा के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसे? शंकर कुरूप को। आगे देखिएगा रविन्द्र टैगोर, समझ रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी बुक नहीं है। यहां पूछा गया क्रिकेट माई स्टाइल, यहां पूछा गया क्रिकेट माई स्टाइल जो बुक है ये किसकी है? रोनाल्ड विद्यार्थी सहगल, अजय जडेजा, सुनील गावस्कर या कपिल देव? क्रिकेट माई स्टाइल, और शायद इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है। क्रिकेट माई स्टाइल विद्यार्थियों इनकी ऑटोबायोग्राफी भी, आत्मकथा भी है, ठीक है ना। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? कपिल देव, बिल्कुल मेरे विद्यार्थी कपिल देव की मैं बात कर रहा हूं। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव की है, आए समझ में। नेक्स्ट देखिएगा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस आपने पढ़ा होगा कि इन्हें मान बुकर प्राइज भी दिया गया, लेकिन यहां पर जो व्यक्ति या विद्यार्थी जो ऑप्शन में दिख रहे उनमें किरण देसाई का नाम भी मान बुकर में आता है, अरविंद अधिकार का नाम भी विद्यार्थियों मान बुकर प्राइज में आता है। तो देखिएगा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये किरण देसाई की बुक है जिसके लिए उन्हें मान बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। मान बुकर प्राइज, समझो विद्यार्थियों, मान बुकर प्राइज सिर्फ और सिर्फ आपका अंग्रेजी उपन्यास के लिए, इंग्लिश नोबेल के लिए दिया जाता है, अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है, ठीक है ना। मान बुकर प्राइज अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। अब आपसे यदि सवाल पूछा जाए कि ये विद्यार्थियों अब तक कितने भारतीयों को मिला, तो मान बुकर प्राइज अब तक 5 भारतीयों को मिल चुका है, जैसे अरविंद अडिगा को व्हाइट टाइगर के लिए, ठीक है ना। देखिएगा यंग इंडिया का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? यंग इंडिया, चाहे वो हरिजन हो विद्यार्थियों, समझो इंडियन ओपिनियन हो, एक्सपेरिमेंट ठीक है विद माई ट्रूथ की बात करेंगे, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई यंग इंडिया, समझ, कहा जाता है कि यंग इंडिया के लेख में उन्होंने ये बात कही थी, तो गांधी जी के द्वारा लिखी गई आपका, तो यहां पर क्या आएगा? यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा लिखी गई बुक है, ठीक है। प्लेइंग इट माय वे किसकी ऑटोबायोग्राफी है? प्लेइंग समझो विद्यार्थियों इट माय वे किसकी? तो यहां पर आएगा कपिल देव, रवि शास्त्री, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह। तो प्लेइंग इट माय वे ये किसकी विद्यार्थियों? तो ये आएगा आपका बिल्कुल सचिन तेंदुलकर। किसके विद्यार्थियों? सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माय वे के लेखक कौन है? तो सचिन तेंदुलकर आएगा, बिल्कुल विद्यार्थियों सचिन तेंदुलकर के, ठीक है ना। नेक्स्ट चलेंगे द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो बताया था ना आपको कि व्हाइट टाइगर के लिए ने कौन सा पुरस्कार मिला था? मान बुकर प्राइज मिला था। किसे मिला था? तो ये अरविंद अडिगा को विद्यार्थियों, ठीक है ना, व्हाइट टाइगर के लिए अरविंद अडिगा को। यहां सवाल पूछा गया विद्यार्थियों आपका, अमजद अली खां निम्न में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए? अमजद अली खां विद्यार्थियों आपके कौन से वाद्य यंत्र से जुड़े?
तो यहां सही आंसर क्या बनेगा विद्यार्थी हमारा, तो यहां पर क्या आएगा आपका, बिल्कुल सही आएगा सरोद वादक है, ठीक है ना। हम जरूर लिख आएंगे विद्यार्थियों सरोद वादक। यहां पर मैंने आपको बताया था ना अविश्वमर्ण, अविश्वमर्ण समझ, यहां पर क्या दिया गया विद्यार्थियों अविश्वमर्ण विद्यार्थियों, जो साहित्य चित्र स्वामी की रचना किसने करी थी, स्वामी विद्यार्थी एक करेक्टर भी है, मालगुडी डेज विद्यार्थियों आपको बताया था मालगुडी डेज, जहां पर स्वामी आपको इसका मुख्य करेक्टर दिखता है, ठीक है ना। तो ये किसके द्वारा, बिल्कुल आपका आरके नारायण, आरके नारायण के द्वारा जो मालगुडी डेज उपन्यास लिखा गया, तो वहां पर मुख्य विद्यार्थियों क्या होता है करेक्टर स्वामी, ठीक है ना। ये उस समय की विद्यार्थियों आपका एक चर्चित नोबेल भी थी मालगुडी डेज आरके नारायण की, ठीक है। बैक टू वेदास, अभी बताया भी था मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में कि जो वेदों की ओर लौट चलो ये किसके द्वारा आह्वान किया गया था, तो वेदों की ओर लौट चलो का जो स्लोगन दिया गया था विद्यार्थियों दोबारा से स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना भी की गई थी, ठीक है ना। इनके द्वारा विद्यार्थियों क्या की गई थी, आर्य समाज की भी स्थापना की गई थी, जो आप यहां पर विद्यार्थियों पिक्चर देख रहे हो वो स्वामी विवेकानंद की है, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा आर्य समाज, आर्य समाज जो आपका स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में मुंबई, वर्तमान समय पर इसका मुख्यालय कहां पर आपका नई दिल्ली के अंदर, वर्तमान समय पर आर्य समाज का जो मुख्यालय आपका वो कहां पर है नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। अब उसके साथ साथ देखिए मैंने आपको बताया था ना कि सत्यार्थ प्रकाश जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई एक बुक थी ट्रुथ ऑफ लाइट, ठीक है, ये बुक थी विद्यार्थियों। तो ये सारी चीज आप लोगों को याद करते हुए चलना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें विद्यार्थियों आप लोगों को याद भी करनी है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, बॉम्बे में सेवा सदन के संस्थापक कौन रहे होंगे, बॉम्बे सेवा सदन कह सकते हैं या बॉम्बे में सेवा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये देखिएगा बॉम्बे में विद्यार्थियों सेवा सदन किसके द्वारा, जो कि बहराम जी विद्यार्थियों मालवाड़ी, वहां पर बाल विवाह जैसे, ठीक है ना, या महिला सशक्तिकरण जैसे विद्यार्थियों, तो इस पर जो सामाजिक सुधार थे उन पर काम करने की बात की गई, ठीक है। ये किसके द्वारा किया गया था आपका, तो बॉम्बे सेवा सदन बहराम जी विद्यार्थियों किसके मालावारी के द्वारा की गई थी, ठीक है। कब की गई थी, तो 1885 में किया गया था। चलिए आपसे सवाल पूछना चाहूंगा मैं, तो मेरे विद्यार्थियों आप बताएंगे मुझे ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना भारत में यानी कि मॉडर्न इंडिया के विद्यार्थियों जो अग्रदूत माने जाते हैं, आधुनिक भारत के जनक जो माने जाते हैं विद्यार्थियों, ठीक है ना, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे, बिल्कुल मेरे विद्यार्थी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1828 में। यानी भारत में अगर जो सबसे पहले सुधारों की बात करेंगे, सामाजिक सुधारों की बात करेंगे, तो वो सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। भारत में विद्यार्थियों सामाजिक सुधारों की बात करेंगे तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की गई थी। उन्होंने देखे सती प्रथा जैसे कुरीतियां थी, जो ठगी प्रथा भारत में विद्यार्थियों, शिक्षा को पश्चिमी शिक्षा को विद्यार्थियों बढ़ावा देना, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो चलेगा अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला आधिकारिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया, द फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया होगा राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास, पिटाभी सीतारमैया, तो यहां आंसर क्या आना चाहिए हमारा, बिल्कुल पिटाभी सीतारमैया के द्वारा लिखा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास जो बुक लिखी गई ये किसके द्वारा लिखी गई, तो पिटाभी सीतारमैया के द्वारा लिखी गई बुक है। ये सारे के सारे जो सिलेक्टेड सवाल होते हैं ना जब आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम में, तो वो मैंने विद्यार्थियों आप लोगों के लिए रखे रहते सवाल, ठीक है। आगे चलिए, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग विद्यार्थी प्लेस कुंवर सिंह जो कि लीडर ऑफ द रिवॉल्ट विद्यार्थी 1857 1857 की क्रांति, जब भारत में गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, तो हमसे पूछा जाता है कि 1857 के जो विद्रोह था विद्यार्थियों इसका प्रमुख, देखिए बिहार, बिहार के विकास से जगदीशपुर से विद्यार्थियों कौन लड़ रहा था, तो यहां पर कुंवर सिंह, जगदीशपुर से विद्यार्थी कौन, कुंवर सिंह, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलेगा, भारतीय क्रांतिकारी
भारतीय क्रांतिकारी समझो माता के रूप में किसे जाना जाता, समझो जो आपका यहां पर क्या पूछा गया, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी विद्यार्थियों किसे जाना जाता था, भारतीय क्रांति की विद्यार्थियों माता के रूप से ये किसे जाना जाता था, ठीक है, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, मैडम मिकाजी कामा या उषा मेहता, क्या आंसर बनेगा आपका, तो भारतीय क्रांति समझो विद्यार्थियों की माता के नाम से किसे जानते थे, तो मैडम मिकाजी कामा, ठीक है। और जो ट्राई कलर को विदेश में फहराने का सबसे पहले विद्यार्थी अगर श्रेय जाता है तो वो मैडम मिकाजी कामा को ही जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, गुलामगिरी, विद्यार्थियों अभी पढ़ा था हमने गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने इसके बारे में। राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष गाया गया था, तो राष्ट्रीय गान को इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1911 का जो अधिवेशन हुआ था, कहां पर, कलकत्ता के अंदर, 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन था विद्यार्थियों, ठीक है ना, तो उसमें पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था, ठीक है। चलेगा, भारत द्वारा कवर की जाने वाली पृथ्वी की सतह का प्रतिशत कितना है, भारत के द्वारा देखिएगा जो विश्व भर में विद्यार्थियों अगर हम लोग बात करें तो भारत कितना कवर करता है, जो लैंडमार्क की बात करें विद्यार्थियों तो कितना परसेंट होगा आपका, तो 2.4%, तो बिल्कुल देखिएगा जो विश्व भर के क्षेत्रफल में, विश्व भर के विद्यार्थियों क्षेत्रफल में जो हमारा एरिया की बात करेंगे तो कितना आपका, 2.4%, जबकि जनसंख्या में आपका 17.7% के आसपास है, विश्व की जनसंख्या में विद्यार्थियों हमारा हिस्सा कितना है, 17.7%, और पूरे पृथ्वी के विद्यार्थियों जो लैंडमार्क की बात करेंगे तो इंडिया का कितना भाग आएगा इसमें, तो 2.4% आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी स्थित है आपका, यहां पर सवाल क्या पूछा गया, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी इज द लोकेटेड, तो ये अभी जहां से आपके लाइव क्लास चल रही, यानी कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी विद्यार्थियों देहरादून, ठीक है। यहां से कुछ और सवाल भी आप लोगों को पूछे जाएंगे, तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिव्यू करा देता हूं, क्योंकि देखिए उत्तराखंड के विद्यार्थियों अभी राजनीति में जो उठा पटक हो रही विद्यार्थियों से हमें सवाल तो बिल्कुल बनेंगे नेशनल लेवल पर, ठीक है। तो मैथ के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से विद्यार्थियों हमें उत्तराखंड देखने को मिलता है, अपना उत्तराखंड इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो देखिएगा अब यहां से सवाल सबसे पहले आपसे बनेगा कि उत्तराखंड कितने देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक है। ये क्या विद्यार्थियों, उत्तराखंड मान लीजिएगा, ठीक है ना, अगर उत्तराखंड की तरह नहीं बनाए तो ये उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड की कैपिटल कहां पर है, देहरादून, उत्तराखंड की कैपिटल कहां पर विद्यार्थियों, देहरादून, ठीक है ना। जबकि ये क्या है विद्यार्थी आपका, विंटर कैपिटल है, देहरादून विंटर कैपिटल है। समर कैपिटल की बात करेंगे तो समर कैपिटल आपका गैरसैण, समर कैपिटल कहां उत्तराखंड की, गैरसैण विद्यार्थियों, ठीक है ना, यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण और शीतकालीन राजधानी देहरादून, ठीक है, उत्तराखंड की दो राजधानी है। जबकि हम लोग बात करेंगे इसकी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो कितने देशों से लगी हुई है, तो इधर से आपका किससे, नेपाल से लगा हुआ है, ठीक है ना, और इधर से किससे लगा विद्यार्थी आपका, चीन तिब्बत वाले एरिया से, चीन तिब्बत से लगा हुआ, ठीक है। उत्तराखंड दो देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, एक आपका चीन तिब्बत, दूसरा नेपाल। अब आपसे जैसे चीन और विद्यार्थियों भारत के बीच में जो विवादित क्षेत्र है जहां पर अक्सर चीन की सेना गश्त करती हुई दिखती है, एक तो आपका सबसे पहले कौन सा आएगा, पिथौरागढ़ क्षेत्र में लिपुलेख, ठीक है ना, ये लिपुलेख की आपका दर्रा भी है, दर्रा का मतलब क्या होता है कि दो पहाड़ियों को आपस में जोड़ने वाला क्षेत्र। उसके बाद विद्यार्थी आपका यहां पर कौन सा दिखेगा आपको, तो यहां दिखेगा विद्यार्थी आपका बाराहोती, बाराहोती, ठीक है। ये बाराहोती अपने आप में दर्रा है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जो अक्सर चर्चा में रहता है, आपसे पूछा जाता है कि बाराहोती, नीति, माणा, ये सभी दर्रे कहां पर है, तो ये उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। नेशनल पार्क की बात करेंगे तो नेशनल पार्क आपको यहां पर कौन सा पूछेगा, जैसे विद्यार्थियों नंदा देवी नेशनल पार्क ऑफ वैली ऑफ फ्लावर, यानी कि फूलों की घाटी पूछ लेगा आपसे। उसके बाद नैनीताल क्षेत्र में आपको कौन सा पूछ लेगा, तो जिम कॉर्बेट पूछ लेगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क,
ये भी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन कौन से, नंदा देवी, फुलाद, फुल वैली ऑफ फ्लावर, जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, समझो जैसे आपका ये नेशनल पार्क है। अभी रिसेंटली एक दो एग्जाम में पूछा गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, कौन सा विद्यार्थी आपका अस्कोट, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हिमालयन विद्यार्थियों किसके लिए, यानी कस्तूरी मृग के लिए, हिरण की एक प्रजाति है कस्तूरी मृग, उसके लिए जाना था आपका, तो अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य, क्यों, जो विवाद वाला क्षेत्र था उसी क्षेत्र में जो भारत और विद्यार्थियों नेपाल के बीच में जो विवाद था उस क्षेत्र में देखने को मिलता है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उत्तराखंड में स्थित आपका, ठीक है ना। और इसी क्षेत्र में भारत का पहला लाइकेन पार्क भी बनाया गया, इसी क्षेत्र में भारत का पहला विद्यार्थियों लाइकेन पार्क। आज छड़ी रखी है, बिल्कुल देखिए, अगर आप लोग जवाब नहीं दोगे ना तो आप लोगों के विद्यार्थियों, अब छड़ी से पिटाई तो नहीं कर सकता हूं, अब आप बड़े हो गए विद्यार्थी, ठीक है, तो अब बड़े जो बच्चे नहीं रहेंगे आप लोग, अब तो आप लोग जल्दी से नौकरी लग जाएगी, तो अब काफी समझदार हो गए हैं सभी लोग, 21 प्लस है, तो 21 के बाद कहीं ना कहीं तलवार भी आपको संभालना है और घर बार भी आपको संभालना है, ठीक है ना। सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है ना, तलवार योद्धा, योद्धा मेरे विद्यार्थियों, ठीक है ना, चलेगा। नेक्स्ट बनेंगे अगले सवाल पर, अगला सवाल देखिए, अगला क्या, देखिए जो, देखिए छोटी छोटी चीजें हमें जरूर याद रखना होगा। बीजापुर किसके लिए जाना जाता आपका, तो बीजापुर ये किसके लिए जाना जाता, ठीक है ना, केदारनाथ, बिल्कुल दिनेश उपाध्याय विद्यार्थी कहते सर केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब जो रिवर वगैरह के लिए मैंने आप लोगों को ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये सभी तो वैसे बता रखा है, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बीजापुर विद्यार्थी आपका गोल गुंबज के लिए, गोल गुंबज जो बीजापुर में बनाया गया था आपका, ये बीजापुर का, तो किसके द्वारा, आदिल शाह के द्वारा, आदिल शाह एक शासक हुआ करते थे विद्यार्थी, उनके द्वारा ये गोल गुंबज बनाया गया था, वर्तमान कहां पर, तेलंगाना। चले विजय स्तंभ, विजय स्तंभ विद्यार्थियों मालवा विजय पर हम लोग कह सकते हैं या, ठीक है ना, तो ये बनाया गया विजय स्तंभ कहां पर, तो ये है कहां पर विद्यार्थियों, चित्तौड़गढ़ में, विजय स्तंभ आपको कहां पर देखने को मिलता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ में हमें विजय स्तंभ देखने को मिल जाएगा। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका देखिए सवाल जबरदस्त से पूछेंगे तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा इसके बारे में भी, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की जो करेंसी है विद्यार्थियों क्या आती है, रैंड यहां की करेंसी है, साउथ अफ्रीकन करेंसी को रैंड के नाम से आप लोग जानते हो, चलेगा। अब साउथ अफ्रीका के बारे में भी एक दो सवाल जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका, ठीक है ना, तो देखिए वैसे मैंने आप लोगों को कई बार बताया भी है और दोबारा से आपको समझा देता हूं। यहां से देखिएगा साउथ अफ्रीका विद्यार्थियों, कुछ मैप के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता देता हूं, अक्सर देखिएगा मैं घुमाता हूं आप लोगों को, ठीक है ना, तो आज फिर से घुमा देता है आप लोगों को, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट विद्यार्थियों, कुछ इस तरह से आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट विद्यार्थियों में कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। अब अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इसके आउटर साइड पर क्या क्या चीजें आपको याद रखना, ठीक है ना। यहां से मेरे विद्यार्थी आप लोगों को याद रखना होगा, ये ऊपर की ओर अगर आप लोग जाओगे तो यहां पर यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक है, और इधर की तरफ अगर आओगे तो इधर आपको एशिया महाद्वीप देखने को मिलेगा। दो तीन सामान्य सवाल करंट अपडेट से जुड़ा हुआ है, वर्तमान में चर्चा में रहा, तो इस वजह से मुझे पता आपको आता है, जानता हूं विद्यार्थियों आप लोगों को आता है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि आपको बार बार रिवीजन कराना, एग्जाम हॉल में आपको गलती ना हो, आप गलती ना करें, ठीक है। तो देखिए इसे कहेंगे विद्यार्थी हमारा यूरोप, ये क्या विद्यार्थियों, यूरोप कॉन्टिनेंट, और ये क्या आपका एशिया कॉन्टिनेंट, ये क्या मेरे विद्यार्थी एशिया, ये क्या आपका अफ्रीका, ठीक है। अब मैं सवाल पूछना चाहूंगा सबसे पहले यहां पर रमन राजपूत विद्यार्थी, देखिए मुझे नहीं पता आप लाइव हो या नहीं हो विद्यार्थी, लेकिन मैंने कहा कि रमन राजपूत विद्यार्थी बताएंगे कि जो यूरोप कॉन्टिनेंट को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग करता है, इस स्टेट का नाम बताएगा,
ठीक है ना, जो भी विद्यार्थी मैं लाइव है, यूरोप कॉन्टिनेंट को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग करता है इस कॉन्टिनेंट, समझो आपका स्टेट। तो यहां पर देखिएगा आपको एक स्टेट दिखती है इस तरह से, स्टेट का मतलब होगा आपका जो लैंड मास को अलग करते हैं, जल सन, ठीक है ना, जो क्या करता है लैंड मास को, ठीक है, इसे कहते हैं विद्यार्थी आपका जिब्राल्टर, ठीक है, क्या है आपका जिब्राल्टर स्टेट, जिब्राल्टर स्टेट जिसे गेटवे ऑफ भूमध्य सागर, भूमध्य सागर का द्वार भी कहा जाता है, मेडिटेरेनियन सी का द्वार भी कहा जाता है। तो किसे विद्यार्थी आपका, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने कि किसे कहा जाएगा आपका, तो जिब्राल्टर स्टेट को, ठीक है। यहां पर क्या दिखती है आपको, स्वेज केनाल जो किसे जोड़ रही है आपकी रेड सी को, इधर गल्फ ऑफ अदन, सॉरी आपका वेब मंडप विद्यार्थी किसे, अदन की खाड़ी को जोड़ रहा है, किसे जोड़ आपका अदन की खाड़ी को। तो ये तीन चार चीज आप लोगों को याद रखना, ठीक है। बिल्कुल रमन विद्यार्थी ने कहा कि सर ये यूरोप में भी किसे, स्पेन, यूरोप में भी स्पेन और अफ्रीका में किसे, मोरक्को को अलग करता है जो जिब्राल्टर स्टेट है ना आपका। तो ये जिब्राल्टर स्टेट यूरोप में आपका स्पेन और अफ्रीका में मोरक्को, इन दो कंट्रियों को अलग करता है, ठीक है ना, इन दो कंट्रियों को विद्यार्थियों अलग करता है, ठीक है, ये भी साथ में याद रखेगा। गेटवे ऑफ मेडिटेरेनियन सी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, तो किसे जाना जाता है आपका, तो ये जिब्राल्टर स्टेट को जाना जाता है, ठीक है, जिब्राल्टर स्टेट को जाना जाता है, ठीक है ना, चलेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या दिया गया, आखिरी बार भारतीय राष्ट्रपति जापान गए थे, अभी गए तो थे रामनाथ कोविंद विद्यार्थियों जापान गए थे, तो उनसे पहले कौन गए थे, ठीक है ना, हमसे सवाल पूछा जाता है विद्यार्थियों, तो देखिएगा यहां पर क्या आएगा, 1990 में रामास्वामी विद्यार्थियों आपका वेंकट रमन, ठीक है, रामास्वामी वेंकट रमन विद्यार्थियों लास्ट टाइम पर गए थे 1990 में, और उनके बाद अभी रामनाथ कोविंद जी गए थे विद्यार्थियों, ठीक है ना, वर्तमान राष्ट्रपति विद्यार्थियों समझो कहां पर, जापान की यात्रा पर गए थे, ठीक है, ये भी साथ में याद रखते हुए चलना हमें, ठीक है ना। आगे देखिएगा, विश्व स्तर में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं आप लोग, विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र डे के रूप में, ठीक है, ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका कब, 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को क्यों मनाते हैं, तो देखिएगा इसकी कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार, 24 अक्टूबर 1945 को यूएन बनता आपका, क्या बनता है विद्यार्थियों, यूएन। अब यूएन तो बनता है, देखो विश्व भर को रेगुलेट करने के लिए एक संस्था बनेगी जिसका नाम क्या होगा आपका, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के लिए भी एग्रीमेंट होता है आपका ब्रेटन वुड एग्रीमेंट 1944 में, और भारत इसका संस्थापक सदस्य है, यानी जब इसकी स्थापना होती भारत इसका क्या था, मेंबर था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल, देखिए भारत में UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, समझो इसकी स्थापना किस वर्ष होती है, तो 2009 में, ठीक है ना, ये कब बनता है आपका 2009 में। ये काम क्या करता है विद्यार्थियों, आप लोग आधार कार्ड है ना आपका, तो आधार कार्ड यही जारी करता है, आपके आधार कार्ड की संख्या कितनी होती है, आपका आधार जो नंबर होता है विद्यार्थियों ये कितने डिजिट का होता है। अब जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो शायद आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा, क्योंकि आपका वॉलेट मोबाइल फोन ये सब तो जमा हो जाता है, तब ऐसा नहीं कि मैं आधार कार्ड में देखूंगा फिर जाके पता करूंगा, ठीक है ना, नहीं मेरे विद्यार्थियों ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कितने होते होंगे, 12 होते हैं, मुझे तो 12 याद है। चलिए आप लोग मुझे बताएंगे कि आपके पैन कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, या कोई प्रोडक्ट विद्यार्थियों जिसमें बार कोड कितने डिजिट का होता है, एक सवाल, पैन कार्ड कितने डिजिट का होता है, बार कोड कितने डिजिट का होता है, और आपके बैंक विद्यार्थियों IFSC कोड, ठीक है ना, जो इंडियन फाइनेंशियल विद्यार्थियों सिस्टम कोड की बात करेंगे तो IFSC कोड हर बैंक का अलग अलग होता है ना, समझो हर बैंक का अलग अलग होता है, तो IFSC कोड कितने डिजिट का होता है। तो देखिए आप लोगों को तीन चार सवाल पूछ दिए मैंने, सभी लोग कॉमेंट्स बॉक्स में आंसर देते रहेंगे। चलेगा नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे हम लोग, तो ये सवाल तो हमारा, ठीक है, यहां पर पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस कथक डांसर, इनमें से कौन से विद्यार्थी जो प्रसिद्ध कथक डांसर है, तो बिरजू महाराज विद्यार्थियों कथक डांसर है, और कथक अपने कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है, तो अपने उत्तर प्रदेश से, कथक हो गया, रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया विद्यार्थियों,
मयूर डांस हो गया, ठीक है, ये कौन से अपने उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, समझो। तो कथक नृत्य कहां का आपका, उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट चलेंगे, नाट्य शास्त्र भारत के शास्त्रीय नृत्यों का मुख्य स्रोत था। नाट्य शास्त्र द मेन सोर्स ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांस वाज रिटन बाय, तो देखिए ये नाट्य शास्त्र किसने लिखी है, भरत मुनि, मुझे तो यही नाम याद आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, तो आंसर क्या आना चाहिए इसका, बिल्कुल मेरे विद्यार्थियों, भरत मुनि। किसके द्वारा लिखी गई थी, भरत मुनि के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है ना। चलेगा अगला सवाल, सत्यमेव जयते, जो हमारा आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, तो इसे मुंडक उपनिषद से लिया गया, कहां से लिया गया, मुंडक उपनिषद से। हर्षचरित देखिएगा, हर्षचरित देख, ठीक है ना, हर्षचरित किसने लिखी है, तो ये देखिए हर्षचरित यानी कि ये लिखी गई बाणभट्ट के द्वारा। हर्षचरित विद्यार्थियों किसके द्वारा लिखी गई है, बाणभट्ट के द्वारा, ठीक है। बाणभट्ट के द्वारा एक और आती है कादंबरी, कादंबरी भी इसने इन्होंने लिखी है विद्यार्थियों। चलेगा मैं सवाल विद्यार्थियों आपसे, ये बुक किसने लिखी है विद्यार्थियों, कुमार संभव, कुमार संभव और अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, ठीक है ना, मालाग्निमित्रा, ये चारों बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, मालाग्निमित्रम, ये चारों की चारों बुक समझो किसके द्वारा लिखी गई है, तो कालिदास जी के द्वारा लिखी है। किसके द्वारा लिखी है विद्यार्थियों, कालिदास जी के द्वारा लिखी गई बुक है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में खबरों में रहे अमिताभ घोष प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, अमिताभ घोष जिन्हें देखिए इनकी बुक आपका एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 8 शेड्यूल में जो 12 भाषाएं उसमें दिया जाता है, 22 भाषाएं विद्यार्थियों उसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, 2018-19 में क्या होता है कि पहली बार अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया गया, पहली बार विद्यार्थियों ये अंग्रेजी उपन्यास और उपाय यानी कि इंग्लिश विद्यार्थियों नोबेल के लिए दिया गया, और नोबेल का नाम क्या था आपका, अमिताभ घोष जी के द्वारा लिखी गई नोबेल, जिसका नाम क्या था मेरे विद्यार्थियों, सी ऑफ पॉपीज, ठीक है ना, सी ऑफ पॉपीज दिया गया, सी ऑफ पॉपीज के लिए। तो तभी तो मैंने कहा विद्यार्थी क्या आपके उपन्यासकार पहले भारतीय जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के लिए पहले नहीं दिया जाता, क्योंकि अंग्रेजी भाषा विद्यार्थी हमारे 8 शेड्यूल में नहीं है, समझो, जो 8 शेड्यूल में नहीं है विद्यार्थी। लेकिन पहली बार सी ऑफ पॉपीज के लिए अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया। पूछेगा सवाल, देखिए पूछा भी गया तभी तो बता रहा हूं आपको, क्योंकि किसी एग्जाम में पूछा, मैं ऑरली जो चीज बता रहा हूं किसी एग्जाम में पूछा गया होगा, और देखिएगा क्योंकि विद्यार्थियों अपना काम क्या होता है, जैसे कोई एग्जाम होता है चाहे वो उत्तराखंड का हो चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो मध्य प्रदेश का हो, मेरा काम क्या होता है विद्यार्थियों पेपर को इकट्ठा करना कि वर्तमान समय पर एग्जामिनर क्या सोच रहा है, किस तरह के विद्यार्थियों सोच रखता है एग्जामिनर वर्तमान समय पर, एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों आप लोगों के सवालों को तैयार किया जाता है। और जो मैं ऑरली बताता हूं आप लोगों को तभी तो याद रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मध्य प्रदेश में कोई एग्जाम होता है, ठीक है ना, तो इसमें विद्यार्थियों आपका जनरल स्टडी हो गया, आपका जीके हो गया या करंट अफेयर हो गया, कोई सा भी एग्जाम हो, हमें तो सवाल से मतलब है, एग्जाम कोई सा भी हो आपका, चाहे वो टेक्निकल का हो चाहे नॉन टेक्निकल। अब जैसे यूपीपीसीएल TG2 का एग्जाम हुआ तो उसमें किस तरह के सवाल पूछे गए, ठीक है। अभी रिसेंटली आपका जो मेट्रो का एग्जाम हुआ था उसमें किस तरह के, तो लगभग लगभग विद्यार्थी मैं आपको बता दूं कि जिस भी विद्यार्थी का नाम शॉर्टलिस्ट हुआ GS में, अगर 10 नंबर का पेपर आया था विद्यार्थी, 10 में से 8 और 9 नंबर वो लेके आए थे, और कोई इतना बड़ा टफ पेपर भी नहीं था। पॉलिटी में 2-3 सवाल पूछ लिए थे, आर्टिकल 49 पूछ लिया था, आर्टिकल विद्यार्थियों 15 पूछ लिया था, ठीक है। जैसे एक सवाल आप लोगों को याद होगा, अपने उत्तर प्रदेश में जो स्टेट के अंदर चाहे उत्तराखंड हो चाहे बिहार हो विद्यार्थियों, अक्सर आजकल पूछा जा रहा है एक सवाल, ठीक है ना, भारतीय विद्यार्थियों संविधान में जो मातृत्व लाभ का, मातृत्व लाभ समझते हो ना विद्यार्थियों,
यानी कि मैटरनिटी जो लीव की बात करेंगे ये कहां पर दिया गया, मातृत्व लाभ, ठीक है। तो ये व्यवस्था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया। देखो कई तरीके से पूछा गया, डायरेक्ट आर्टिकल नहीं पूछा आपसे, मातृत्व लाभ की व्यवस्था विद्यार्थियों, ये एक कल्याणकारी राज्य की बात करते हम लोग, वहां पर दिया गया। आर्टिकल कौन सा होगा पार्ट, मैंने आपसे कहां पर दिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया। कौन से पार्ट में दिया गया अगर पूछ लेगा तो आपको बताना कि पार्ट फोर में दिया गया। ऐसा नहीं कि मैंने आपको उससे बताया उससे एक वैसे सवाल पूछ लिया, हो सकता है पार्ट पूछ ले कौन से भाग में, तो भाग आपका कहां पर है, चार के अंदर। कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 42 को पढ़िएगा जहां पर विद्यार्थियों मातृत्व लाभ की बात की गई, आर्टिकल 42 जहां क्या करते हैं एक कल्याणकारी राज्य की बात कर रहे हैं, तो वहां पर ही व्यवस्था दी गई। तो ये सवाल काफी एग्जामों में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अब मैंने आपसे कहा था जैसे पॉलिटी से एक सवाल और पूछा जाता है कि देखिएगा 86वां, मैं कई बार पूछता हूं विद्यार्थियों आपको, 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में होता है, तो ये कहां कहां पर संशोधन किया गया, यानी कि भारत के संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में अमेंडमेंट किया गया, जो 86वां संविधान संशोधन किस भाग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन में अगर आपके पास दिया जाता है, देखिए ऑप्शन में आपके पास दिया जाता है ए बी सी डी, ठीक है ना। इसमें ए में आता है विद्यार्थी आपका पार्ट थ्री में, उसके बाद विद्यार्थी आपका पार्ट विद्यार्थियों फोर में, या विद्यार्थी आपका पार्ट फोर ए में, और इसमें क्या आएगा विद्यार्थियों ऑप्शन डी में क्या आएगा, इनमें से सभी भागों में, इनमें से सभी। तो आंसर क्या आना चाहिए विद्यार्थियों आपका, आप क्या आंसर करोगे, 86वां अमेंडमेंट 2002 किस में हुआ, ठीक है, कौन से जो संविधान संशोधन मैंने आपसे क्या कहा विद्यार्थियों, कौन से पार्ट में, आप मैंने कहा 86वां अमेंडमेंट कौन से पार्ट में हुआ, फंडामेंटल राइट। अब देखते इसका आंसर जो हमारे विद्यार्थी चार बजे वाली क्लास लेते हैं वो भी क्लास पर देख रहे हैं पार्ट थ्री, हम तो नहीं दे रहे, ठीक है ना। बताया विद्यार्थियों, नीतीश कुमार विद्यार्थी नंबर किस चीज का, नीतीश विद्यार्थी नंबर किस चीज का नंबर देना विद्यार्थी, कॉन्टेक्ट नंबर नीतीश विद्यार्थी, नीतीश कुमार विद्यार्थी, चलेगा ठीक है। तो मैं इसमें बता देता हूं विद्यार्थियों, अर्जुन कुमार विद्यार्थी कहते सर जी पैट का एग्जाम सब डिफरेंट में है क्या, नहीं नहीं देखिए, अच्छा देखिए मेरे विद्यार्थी चलेगा, अभी ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, 86वां अमेंडमेंट आप लोग जानते हो, अगर मैं कहूंगा पार्ट थ्री में तो 21A में अमेंडमेंट नहीं किया गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे के लिए फ्री एजुकेशन की बात की गई आपका, ठीक है ना, यानी क्या होगा राइट टू एजुकेशन 21A में। अब ये व्यवस्था अगर मैं कहूं विद्यार्थियों पहले आर्टिकल 45 में थी, तो आर्टिकल 45 में भी तो आपका अमेंडमेंट हुआ होगा, आर्टिकल 45 किसमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें भी अमेंडमेंट क्या होगा, पहले विद्यार्थियों ये किसमें था आर्टिकल 45 के अंदर था, वहां से उठाकर इसे कहां डाल दिया विद्यार्थियों, इसे 21A में रख दिया, ठीक है। अब देखिएगा पार्ट 4A के अंदर जहां पर आप जानते हो ना पार्ट 4A में 11वां जो मूल कर्तव्य आपका कि याद ही रखेगा, जो हमारे पेरेंट्स होंगे अभिभावक होंगे विद्यार्थियों, उन्हें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा दिलाना, चाहे वो फ्री दे चाहे विद्यार्थियों महंगी शिक्षा दे, तो उसका क्या होगा कर्तव्य होगा। तो इन तीनों जगह अमेंडमेंट नहीं हुआ क्या, इन तीनों जगह अमेंडमेंट हो रहा है, समझिएगा इससे, मैंने कई बार बताया आप लोगों को सभी में हुआ था, सभी में हुआ था विद्यार्थियों, अच्छे से समझिएगा, कितनी बार बता चुका हूं। क्यों अभिषेक विद्यार्थी, कौशल, प्रियंका, यहां पर नीतीश विद्यार्थी, अच्छा हमारा नंबर चाहिए बात करनी है, चलो विद्यार्थी देखिए आप पब्लिकली यहां पर नंबर देना संभव नहीं है विद्यार्थी, फिर भी देखिएगा आप एकेडमी के नंबर पर कॉल करेगा जो ऑफिशियल नंबर है, तो वहां से विद्यार्थी आप, ठीक है आपसे मैं बिल्कुल बात कर सकता हूं,
और नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में विद्यार्थियों आप लोगों को नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा कौशल कहते हैं कि हमने आंसर दिया था, चलो बहुत बढ़िया, ऑल ऑफ दीज आएगा मेरे विद्यार्थियों। इन सभी में काशीनाथ विद्यार्थी बिल्कुल देखिए, इन सभी में हुआ था, ठीक है ना, सबका सही होना चाहिए था वैसे, क्योंकि पहले भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया विद्यार्थी इसके बारे में। चलेगा ठीक है ना, बिल्कुल तो गलत नहीं करना था आप लोगों को, देखिए इसीलिए मैंने पूछा आपसे, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है आजकल बार बार, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर नहीं समझ में आ रहे तो मैं आपको बोर्ड पे जाके विद्यार्थियों सारी चीजें समझा सकता हूं, और वैसे समझाया भी है, कोई नया नहीं मेरे विद्यार्थियों, ठीक है ना, कोई नया नहीं है। चलेगा ठीक है ना, चलेगा आगे चलेगा। तो देखिए मेरे विद्यार्थियों आपका अगला सवाल देखिए, ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है। तो आंसर क्या आएगा विद्यार्थियों, ये सबसे बड़ा हवाई अड्डा विद्यार्थियों कौन सा, सऊदी अरबिया में, सऊदी अरब में विद्यार्थियों किंग फवाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है ना, जो कहां पर आपका, ठीक है, किंग फवाद विद्यार्थियों इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जाता है, ठीक है, चलिए सभी को क्लियर है ना, चलिए बहुत बढ़िया। दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से मीनाक्षी सुंदर मंदिर, ये कहां पर आपका, तो ये मदुरई में, समझो आप, मीनाक्षी सुंदरम मंदिर विद्यार्थियों ये मदुरई के अंदर, यहां पे मैसूर लिखा गया नहीं, मदुरई में मीनाक्षी सुंदरम मंदिर विद्यार्थियों आपका कहां पर, मदुरई, और मदुरई को क्या कहा जाता है आपका, त्योहारों का शहर भी कहा जाता है, मदुरई को त्योहारों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए गलती नहीं करनी आप लोगों को, देखिए अगर सवाल नहीं आ रहा है तो पूछेगा, जहां समझ में नहीं आता बिल्कुल पूछेगा विद्यार्थियों आप लोग, क्योंकि देखिए आपके जो भी पेपर है ना पुराने, वो सभी पेपरों की विद्यार्थियों कॉपी हम लोग रखते हैं अपने पास, और किस तरह के सवाल उसमें पूछे गए, जैसे विद्यार्थियों मेरे पास जो पेपर है आपका, देखिए आपका डीएफसीसीएल जूनियर विद्यार्थी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, देखो सवाल क्या, कैसे सवाल पूछे गए आपके एग्जाम में, कौन कौन से पूछे गए विद्यार्थी आपके, रेलवे से जुड़ा हुआ भी पूछा गया विद्यार्थी आपका, ठीक है ना। जैसे पूछा गया विद्यार्थी, इसमें पहला सवाल पूछा गया कि फेमस रॉक गार्डन, ठीक है, इसमें सवाल पूछा गया विद्यार्थी आपका कि फेमस रॉक गार्डन जो चंडीगढ़ में है, ठीक है ना, तो इसके आर्किटेक्चर कौन थे विद्यार्थी, यानी कि यहां पे पूछा गया विद्यार्थियों हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ द फेमस रॉक गार्डन इन चंडीगढ़, तो वो तो हमने कई बार पढ़ा विद्यार्थियों, रॉक गार्डन के बारे में आप लोग जानते हो ना कि रॉक गार्डन जो आपका कहां पर है, चंडीगढ़ के अंदर है। एक सवाल पूछ रहा मैं विद्यार्थी आपसे, जैसे रॉक गार्डन, तो आज के समय पर देखिए सवाल कई समय से पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि उनका निधन हो गया था, उनका विद्यार्थियों निधन हो गया था, ठीक है ना, आपको कैसे दिखाएंगे, ये तो समझो विद्यार्थियों पेपर है, तो आपको कैसे दिखाएंगे पेपर विद्यार्थियों, चलेगा। तो रॉक गार्डन विद्यार्थी आपका चंडीगढ़ में है, जिसका डिजाइन किसने, नेकचंद सैनी जी के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है, नेकचंद सैनी जी के द्वारा, ठीक है। तो चलो आज के इतना काफी है विद्यार्थियों, और कल से मैं कोशिश करूंगा कि डीएफसीसीआई, ठीक है ना, जो आपका डीएफ विद्यार्थियों डीएफसीसीएल जो अगर बात करेंगे हम लोग आपका, तो इसमें 12-12 नंबर के हम लोग सेट बना के रखेंगे, ठीक है, 12 नंबर के विद्यार्थियों जो सेट, और आसान से पेपर है, आसान से क्वेश्चन रहेंगे आपका, सेट वाइज हम लोग बना के रखेंगे, और आगे से इसे ऐसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जो हमारा लेटेस्ट एग्जाम है यूपीबीसीएल, समझो यूपीबीसीएल विद्यार्थियों जेई का जो एग्जाम है, इसको भी टारगेट करते हुए, क्योंकि एग्जाम को टारगेट करने में आपका भी विद्यार्थियों एक इंटरेस्ट, आपकी जो रुचि हो वो भी बनी रहती है कि किस तरह से हम सवाल करेंगे, ठीक है। और एक जो हमारा एग्जाम 2020 है वो तो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो कल से विद्यार्थियों हम लोग आगे से, क्योंकि अभी मैं मैराथन की क्लासों में व्यस्त था, तो सारी चीजें विद्यार्थियों वहीं पर व्यस्तता में रह गई थी, अब आगे से जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आपका 1 बजे वाली क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री को अभी थोड़े देर दिनों के लिए रोक देते हैं, यूपीसीएल जेई का एग्जाम जल्दी से आ जाएगा, फिर आप मुझे ही परेशान करोगे, समझो। तो 1 बजे वाली में यूपीसीएल जेई, 3 बजे में डीएफसीसीएल विद्यार्थियों आपका, और उसके बाद बाकी अभी कोई एग्जाम है ना अपना, 1 या 2 अगस्त को एक एग्जाम है, उसको भी टारगेट करेंगे विद्यार्थियों। और जो मैराथन क्लास आपने अगर नहीं देखी है
तो मैराथन क्लास को भी देख लीजिएगा, 6 घंटे की क्लास है। मैंने तो एक बार में 6 घंटे क्लास ली, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। जो मैराथन क्लास 23 तारीख को और 24 तारीख को ली गई है, उन दोनों मैराथन क्लास को देखिएगा, आपके पास ऑप्शन है। मैंने क्या कहा विद्यार्थियों, आपके पास ऑप्शन है तो जरूर देखिएगा, उससे बहुत फायदा होगा आप लोगों को। अगर नहीं देखा आप लोगों ने, वो मैं उनके कह रहा हूं विद्यार्थियों, जो बरसाती मेंढक है ना, उनको कह रहा हूं कि वो जरूर देखिएगा, फायदा होगा। एक बार दोबारा से विद्यार्थियों एक लेवल पर आ जाएंगे आप लोग, ठीक है, चलेगा। और कोई एग्जाम है यूपी पिशल जेई में, यूपी पिशल जेई में यूपीपीएससी जेई 30 मिनट ही रखना, हाँ ऐसा कोशिश करेंगे। यूपीपीएससी जेई के 2 सेट रखेंगे हम लोग विद्यार्थियों, 2 या 3 सेट, और समय कम रखेंगे, ठीक है ना। पहले विद्यार्थी मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, उसके बाद उन्हें सॉल्व कराऊंगा, या तो ऐसा कर लेंगे, है ना। तो चले विद्यार्थियों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे हम लोग अब रात को विद्यार्थियों आपका एग्जाम 2021 में, तब तक के लिए धन्यवाद।